हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। फाइनली फ्रेंड्स, हम जग गए हैं और आज हम पूरा तैयार हो गए हैं। इसलिए पूरा बोल रहे हैं क्योंकि आज हम शेविंग किए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, ऐसे खैर मुझे ज़्यादा मूछे नहीं है, लेकिन खैर हम टोटल आज शेविंग किए हुए हैं, देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बात यह है कि हमारे इधर जो है पूरा पूर्णतया लॉकडाउन है, जिस कारण जो है हमारी कोचिंग अभी बंद चल रही है, लेकिन मुझे ऑफिस का काम करना पड़ता है, इसलिए हमको रेगुलर कोचिंग जाना ही पड़ जाता है। और फ्रेंड्स, आज मेरे यहाँ ना पिज्जा बनने जा रहा है, तो हम पिज्जा का फोटो आपको तो हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन पिज्जा कैसे हमारे यहाँ बन रहा है वो हम आपको अभी दिखाते हैं। और ये हमारी दीदी बना रही है। निखिल भी मेरे घर में आया हुआ है, इसलिए पहले ही जान जाता है ना कि आज का दिन इसको याद है। आज का दिन मंडे है और मंडे को शाम में तो पिज्जा बनना है, इसलिए टपक गया है। कहते हैं तो किचन के जस्ट गेट के सामने हमारा मेन गेट है, तो उस गेट के सामने में हमारी छोटी सी क्यूट सी बेबी, ये जो है ये क्यूट है, दीपक के साथ करण है। आज हम रात में बाहर निकले हुए हैं, तो खैर आपको परेशानी हो रही होगी थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा इशू रहता है। खैर कोई बात नहीं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, फाइनली हम आंगन से घर चले आए हैं, आप देख सकते हैं। और आंगन से घर आए हैं कि गेट पे इसको बैठना है, इसको कहीं नहीं बैठना है, इस बेचारी को गेट पे ही बैठना है। अब हम इसको कुछ कहते भी नहीं है, इसलिए नहीं कहते हैं कि ये ना घर का सदस्य ही हो गया है, लेकिन इसका नाम अभी तक हम ढूंढ के नहीं रखे। खत्म हो गया है फाइनली। रूपेश और रोशन जो है गैस को उठा के घर ला रहा है, आप देख सकते हैं। किचन ला लिया है फाइनली। अब इस गैस सिलेंडर को हम लोग नहीं सेट करते, हमारे घर में एक ही मम्मी को केवल गैस सिलेंडर सेट करने के लिए आता है। मुझे आता है, आता तो मुझे सब है, लेकिन भरोसा कोई नहीं करता। और आप भी जानते हैं कि अपने बेटों पर किसी को भरोसा नहीं होता, लेकिन पापा को है, मम्मी को नहीं है। मम्मी को विश्वास है कि कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ ही करेगा। ऋषभ और प्रिंस और हमारा अक्षत बउआ जो है, ये कोई म्यूजिशियन का गाना लेके इसको अक्षत को सिखाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। ऋषभ को बेहतर बनाने के लिए आता, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। मतलब आप ये कहिए ना कि ऋषभ ना बेहतर तरीके से सीख चुका है, लेकिन प्रिंस ही बजाता है। प्रिंस अभी बजा के आपको दिखाएगा, देखिए। तो प्रिंस अभी बजाइएगा एक गाना आप। हाँ, जल्दी मेरी। देखिए, एक प्रिंस बजाएगा। कौन सा गाना सुनिएगा आप बताइए। तेरी मेरी सुनाइए। वाओ, गजब। यदि आपको आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी जरूर इसका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, प्रिंस का आपका ये म्यूजिक कैसा लगा। काफी अच्छा गाना है ना। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लब जो में ये बयान ना हो पाए। तो फ्रेंड्स, प्रिंस भैया बोल रहे हैं कि मेरा एक स्पेशल सॉन्ग है, चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी जिंदा ये प्यार ना होगा कभी। तो ये गाना का धुन जो है म्यूजिक निकालने वाले हैं प्रिंस जी, तो आप इसका सुनिए थोड़ा सा। हाँ। बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी हम जिन चीजों पे बैठे हुए हैं आप भी देख के ना आश्चर्य हो जाइएगा। हम आपको दिखाते हैं हम किस पे बैठे हुए हैं। देखिए, ये है हमारे बउए का घोड़ा और हम इस पे बैठ गए हैं, और अभी हम इसको चलाएंगे, देख सकते हैं। क्या हुआ? आपको छोटा छोटा थोड़ा सा आपको दिख रहा है, अभी चलेगा। ये काफी स्ट्रॉन्ग बच्चे का खिलौना ना, काफी स्ट्रॉन्ग टाइप है। जब हम लोग बच्चे थे तो मम्मी तो हमको बिल्कुल नहीं देती थी, कुछ भी खरीद के कुछ मांग लीजिए, देना ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अभी तो पास में दौलत है, धन है, काफी कुछ है। तो अभी हम इस घोड़ा को, एक घोड़ा नहीं 10 घोड़ा खरीद सकते हैं। मम्मी नहीं दी तो कोई बात नहीं ना, आप खरीद जाते हैं। थोड़ी सी देखते हैं पिज्जा का क्या स्थिति है, और हम किचन आ गए हैं और आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है फाइनली।
पिज्जा जो है सर्व हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसको सबसे पहले खानेंगे, उसके बाद आपको हम टेस्ट बताएंगे कि ये कैसा लगता है। फाइनली सबको सर्व कर दिए हैं, कोई बात नहीं। पिज्जा तो है एक बहाना, लग रहा है प्रिंस ज्यादा स्मार्ट। आप ही कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। जी नहीं भैया, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। जी जी, कि पता नहीं आप नोटिस करते हैं नहीं करते हैं, आप अपने सब्सक्राइबर से पूछ सकते हैं कि पिछले सारे वीडियो में वो जब भी मुझे देखे हैं मैं हमेशा स्मार्ट देखता हूँ। आप लोग ये मानते हैं कि नहीं? अच्छा, आप ही कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हम दोनों भाई में से ज्यादा स्मार्ट कौन। नहीं नहीं, ये बात तो स्मार्ट तो आप हैं, आपके पास एक यूट्यूब चैनल है वो भी मोनेटाइज हो चुका है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, स्मार्ट है। लेकिन खूबसूरत की जहाँ बात है वहाँ मैं भी पीछे नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग यहीं तक। अब थोड़ा सा मुझे एडिटिंग करना है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारी एडिटिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है। डेली ब्लॉग हमारा जो है सुबह के 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल वाओकाओ पे अपलोड हो जाता है। यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एडिटिंग समाप्त हो गई है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।